अबाउट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन मोटाबोलिज्म जो है बेसिकली तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमको अभी नहीं पढ़ना है so मेन फोकस रखना है हमको लिपिड मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमारे इंटरनल एग्जाम्स एंड यूसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है पी में हम हमको इस बार फॉर दिस पी यू सी वी हैव टू रीड अबाउट द लिपिड मेटाबोलिज्म सो प्रोटीन मेटाबोलिज्म बेसिकली डाइजेशन आता है प्रोटीन का जी आई टी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को आप अगर आप बोलेंगे तो हमें डिटेल वीडियो वापस बना दूंगी। सो विथ फॉरगेटिंग गेटिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हम देखते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म। सो लिपिड मेटाबॉलिज्म को अगर हम देखें तो लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है तो so, लिपिड का डाइजेशन अबाउट थर्टी से फिफ्टी परसेंट ऑफ जो इंजेस्टेड लिपिड है वो कैसे डाइजेस्ट होता है बाय द पेनक्रियाटिक लाइपेस अब लिपिड है लिपिड का डाइजेशन जिसे हमने लिपिड जो है लिपिड का डाइजेशन वाया होगा पेनक्रेटिक लाइपेज जो पेनक्रिट पेनक्रेटिक लाइपेज होता है उसके थ्रू तो लिपिड का डाइजेशन होता है जो तीस से फिफ्टी परसेंट इंजेस्टेड जो आप लिपिड लिता भी आपकी बॉडी में लिपिड गया है वो लिपिड का डाइजे अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी बॉडी में जो लिपिड है वो कौन कर रहा है तो इट्स द पेनक्रिटिक लाइपेज अक्सर आप भूल जाते हैं लिपिड के पेनक्रेटिक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल हियर जो पेनक्रेटिक जो लाइपेज है द पेनक्रेटिक लाइपेज कैन नॉट डाइजेस्ट देन इट्स अ मूव तो बेसिकली तो इट इज़ मूवड सीक्रेशन ऑफ पेनक्रेटिक लाइपिस जो है वो मैक्सिमम होता है जब कॉन्टेक्स टू द स्टमक इन कॉन्टेक्स टू द स्टमक जो रिचेज टू द स्मॉल इंटस्टाइन दियर फोर इट गोज द डिक्रीजिंग इसलिए वो डिक्रीज हो जाता है एंड स्टॉप द सीक्रेशन आफ्टर द फ्यू मिनट्स दस अबाउट फिफ्टी से सेवेंटी परसेंट ऑफ जितना भी इंजेस्टेड लिपिड है हमारा वो अनडाइजेस्टेड है तो बेसिकली होता क्या है कि आपको जब पेनक्रेटिक लाइप जो है उसका सीक्रेशन मैक्सिमम होता है पेनक्रेटिक लाइपिस का सीक्रेशन जो होता है मैक्सिमम होता है जब हमारे स्टमक uh, जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जब आपका स्टमक जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जब जब रीच करता है तब तो पेन स्टमक से हम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ते हैं तो उस केस में पेनक्रेटिक लाइपेस का सीक्रेशन जो है वो मैक्सिमम हो चुका होता है तो देर फोर जो है वहाँ पर डिक्रीज एंड स्टॉप सीक्रेशन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स इसलिए उसका सीक्रेशन क्योंकि वो मैक्सिमम तक पहुँच जाता है इसलिए तो धीरे धीरे वो डिक्रीज होने लग जाता है आफ्टर अ फ्यू मिनट्स जस्ट अबाउट फिफ्टी से सेवेंटी परसेंट हमारा जो इंजेस्टेड लिपिड जो है वो वहाँ पर हमारा अनडाइजस्ट undig रह जाता है तो ये अनडाइजेस्टेड लिपिड जो है वो इमल्सिफाइड होता है विद अ बाइल सॉल्ट लिवर अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो अनडाइजेस्टेड लिपिड है ये हमारा इमल्सिफाइड होता है विद बाइल सॉल्ट और वो बिकम हो जाता है सोल्यूबल इन वाटर एंड देन दे आर डाइजेस्टेड द ये जो अनडाइजेस्टेड लिपिड है बेसिकली ये इसका एमरसिफिकेशन होता है बाय द बाय सॉल्ट और वो सोल्यूबल हो जाता है पानी में व्हेन दे आर एंड देन एक बार सोल्यूबल हो गया पानी में फिर वो डाइजेस्ट इजीली हो जाएगा द लिपिड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मोनोग्लिसोराइड्स एंड द डायसराइड एक स्मॉल ड्रॉपलेट बना लेता है विद बाइल सॉल्ट अब बेसिकली जो लिपिड है वो मोनोग्लिसराइड और डायग्लिसराइड के साथ लिपिड जो है वो मोनोग्लिसराइड और डायग्लिसराइड के फॉर्म में छोटे छोटे मॉली स्मॉल ड्रॉपलेट्स जिससे बना लेता है बाइल सॉल्ट के साथ और ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं इनको हम बोलते हैं मिशल्स एंड दिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर नोन एज द मिशल्स दिस मिशल्स जो है वो इजिली एब्सॉर्ड हो जाते हैं ड्रॉपलेट्स हमने पढ़ा होगा छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं ट्रॉपलेट्स मिशल्स बोलते हैं इनको ये मिशल्स हमारे ईजिली एब्सॉर्ब हो जाते विदाउट फर्दर हाइड्रोलाइसिस बिकॉज बहुत small, बहुत स्मॉल ज़्यादा एमल्सिफिकेशन हो चुका था उस फैट का तो ये इनको हम हमारे लिए एब्जॉर्ब कर पाना बहुत ही ईजी बात हो जाएगी ईजिली हाइड्रोलाइसिस इसमें इस हमको कोई डिटेल हाइड्रोलाइसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे हमारे प्रोटीन वगैरह के डाइजेशन में हमको ब्रेकेज बॉन्स वगैरह बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं वो चीजें 嗯。Mm hmm. और लिपिड में एक बार बाइल सॉल्ट आपका बना एक बार आपके मिशल का फॉर्मेशन हुआ देन दैट इस सो इजी प्रोसेस एंड द मोनोग्लिसराइड एंड द डाइग्लिसराइड जो है वो ये एब्जॉर्ब हो तो जाते हैं एंड देन एक्ूमुलेट हो जाते हैं इन द म्यूकोजल सेल ऑफ स्मॉल इंडस्टैंड एक बार ये म्यूकोजल और डाइग्लिसराइड जो है बने थे हमने जो बोला था लिपिड जो है मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड की फॉर्म में स्मॉल ड्रॉपलेट बना लेता है बाइल सॉल्ट के साथ और इसी ड्रॉपलेट को मिशल्स बोलते हैं बेसिकली मिशल्स क्या है जब जो लिपिड जो है हमारा मोनो और डाई की फॉर्म में है वो फॉर एग्जाम्पल

एंड इनका एब्जॉर्प्शन जो है जो बेसिकली ये हमारे लिपिड का इसका एबजॉप्शन मिशल्स वगैरह जिनका एबजॉर्प्शन लिपिड जो है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है डिओडेनम एंड जे जूनियम ऑफ स्मॉल इंटस्टाइन इंपॉर्टेंट लिपिड जो है लिपिड्स का हमारा एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है डिओडेनम एंडेनम एंड द जे जूनियम ऑफ द स्मॉल इंटस्टाइन सो डोंट फॉर्गेट इट डियोडेनम एंड जे जूनियम ऑफ द स्माल इंटस्टाइन दैन देयर कम्स द एबजॉर्प्शन ऑफ द ग्लिस्टरॉ गिस्टोरॉलॉ जो है बेसिकली

कि ग्लिसरॉल जो है इथेनॉल भी हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में अल्कोहलिक कंटेंट है दे आर सॉल्युबल इन वाटर इसीलिए वो बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स और तो फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हम देख लेते हैं सो हाउ एवर जो फैटी एसिड जो है उनकी चेन लेंथ जो है कंटेनिंग लेस देन वन टेन कार्बन एटम अब जो फैटी एसिड है फैटी एसिड की अगर आप चेन को देखोगे तो उसमें दस से भी कम कार्बन एटम होंगे आर एब्जॉर्ब ईजिली है टेन कार्बन एटम बेसिकली वॉट हैपन्स कि जो फैटी एसिड जो है उनकी चेन लेंथ कंटेनिंग कंटेनिंग लेस देन टेन कार्बन एटम वो ईजिली एब्जॉर्ब हो हैं क्योंकि uh, वो सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में और जो हायर फैटी एसिड बेसिकली हमें पता है कि फैटी एसिड्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं द थोड़े छोटे टाइप के फैटी एसिड्स और बड़े टाइप के और जो छोटे मोलिक छोटे कम कम छोटे छोटे फैटी एसिड्स हैं जैसे दस जिनमें ऑलमोस्ट दस कार्बन चेन जितना तो लेंथ है या उससे छोटे तो वो जो है हमारे ईजिली सोल्यूबल हो जाते हैं और बिकॉज वो तो सोल्यूबल हो, हो जाते हैं तो ब्लड के ट्रांसपोर्ट होकर वो ईजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ईजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं जबकि वही हम हायर फैटी एसिड्स को देखें तो हायर फैटी एसिड्स जो हैं वो बेसिकली एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द लिम्फेटिक रूट क्योंकि वो बहुत बड़े होते तो हैं उनके लिए वाटर रूट से एब्जॉर्ब होना तो इतनी ईजी बात नहीं है सो तो दे आर एब्जॉर्ब टू तो लिम्फेटिक रूट याद रखिएगा छोटे छोटे फैटी हो ईजिल एब्सॉर्ब जबकि बड़े थोड़े बड़े साइड के फैटी एसेड्स जो हैं उनको वी वॉन्ट अ लिम्फेटिक रूट सो हाउ मोलिक्युलर जो हाउ जो बेसिकली जो हाउ द मोलिकुलर फैटी हाइड्रोफिलिक इन नेचर जो जो लो मोलिकुलर फैटी एसड्स जो हैं छोटे छोटे लो मोलिकुलर फैटी एसिड जो हाइड्रोफिलिक है वाटर लविंग है वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं सो दे आर एब्जॉर्ब थ्रू द ब्लड कैपिलरीज ब्लड में सोल्यूबल हो जाएंगे ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं जबकि जो हायर मॉलिकुलर फैटी एसिड जो हैं सो द हायर मोिकुलर फैटी एसिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर वो वाटर लविंग नहीं होते दे आर द वाटर रिपेलेंट हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग वाटर रिपेलेंट इन नेचर सो बेसिकली इसीलिए वो पानी वाले रास्ते से नहीं जाते वो कहाँ से जाते अब उनके पास ये ऑप्शन तो खत्म

मतलब वाटर में सोल्यूबल होना पड़ेगा वाटर में सोल्यूबल सो बेसिकली एब्जॉर्ब कब होंगे जब वो पानी में सोल्यूबल होंगे और पानी में सोल्यूबल क्योंकि लेकिन बट उनको पानी पसंद नहीं है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनको पानी पसंद आए सो दैट दे बिकम सोल्यूबल इन वाटर एंड देन दे ट्रांसपोर्टेड सो बेसिकली वॉट हैपन सो दे आर कंबाइंड विद द बाइल सॉल्ट अब हायर मोलिकुल लोअर मोलिकुलर फैटी एसिड्स को जरूरत नहीं पड़ती और जब जो जबकि जो हायर मॉलिकुलर फैटी एसिड्स होते हैं वो जो है दे आर कंबाइंड विद द बाइल सॉल्ट और जो सोल्यूबल हो जाते हैं इन वाटर में एंड दे आर एबजॉर्ब इस में वो एब्जॉर्ब होंगे बाइल सॉल्ट बाइल सॉल्ट के कंबाइन करने के बाद वो हाइड्रोफिलिक मतलब वो सोल्यूबल बन जाते हैं वाटर के लिए एंड देन आर एब्जॉर्ब जो है स्टीरॉल्स जो है वो हेल्प करते हैं हमारे एब्जॉर्ब्शन ऑफ हाई मोलिकुलर फैटी एसिड्स को जो हमारे स्टीरॉल स्टीरॉइड्स और स्टीरोल्स जो हैं वो हमारे जो हाई मोलिकुलर एसिड्स है क्योंकि लो मोलिकुलर फैटी एसडो प्रॉब्लम ही नहीं है हाई मोलिकुलर फैटी एसिड्स को बहुत हेल्पिंग की जरूरत है क्योंकि उसको पानी नहीं पसंद याद रखिएगा बार बार हार अगेन रिपीटिंग इट क्योंकि हाई मोलिकुलर फैटीलाइजर्स जो है उनको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है और वो जबकि वो वो क्योंकि वो वाटर रिपेलेंट है वाटर हीटिंग है वाटर रिपेलेंट उनको पानी पसंद नहीं है तो उनको कोई ना कोई हेल्प कर रहा है दैट इज़ स्टीरॉल जो है

करने के काम आता है द प्लाज्मा प्रोटीन तो एल्बुमिन से कंबाइन करते हैं दे फॉर्म द नेफा नेफा क्या होता है हमारे नॉन फैटी एसिड और वो क्या बनाते हैं एक एल्बोमिन के साथ कंबाइन होकर देफाइड फैटी एसिड एंड वो क्या करते हैं इस वे में वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड हाई मोलिकुलर फैटी एसिड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइलो माइक्रॉन्स हमने पढ़ा था बाइल सॉल्ट काइलो से आपके प्रोसेस वो एक साथ रिलेटेबल होते हैं तो लाइक like, हम जो पढ़ते हैं अब काइलो माइक्रॉन्स बने मिशल्स बने मिशल्स के बाद कायलो माइक्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है एक बार वो कंबाइन हो गए बाइल सॉल्ट के साथ इस वे में वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होंगे अभी तो मिशल आर कन्वर्टेड इन कायलो माइक्रॉन्स सो लो मोलिकुलर फैटी एसिड जो है वो सोल्यूबल हो गए लेकिन सोल्यूबल

फैटी फैटी एसिड्स हैं हैं हाई एसिड जो वो सोल्यूबल होगा सॉल्ट के बाइल सॉल्ट के बदौलत तो वो सॉल्युबल हो गए वाटर में अब उनको ट्रांसपोर्ट होना है तो ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे इन द फॉर्म ऑफ काइलो माइक्रॉन्स ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ काइलो माइक्रॉन्स काइलो हमारे पास क्या होता है टू परसेंट प्रोटीन प्रोटीन होता है उसके अंदर सेवन परसेंट फॉस्फोलि टू परसेंट प्रोटीन सेवन परसेंट फॉस्फोलिपिड नाइन परसेंट कोलेस्ट्रॉल एंड एट्टी टू परसेंट ट्राइग्लेसराइड्स इसमें आपको ये वैल्यूज याद रखने की कोई जरूरत नहीं इसमें important है इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज द उनमें सबसे ज्यादा हाइस्ट अमाउंट में क्या होता है काइल माइक्रोन में सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें होता है दट इज द ट्राइग्लिसराइड सो आपको यह याद रखना होता है कि आपको कायलो माइक्रोन में आपको ट्राई इंपॉर्टेंट uh, है क्योंकि वो मोनोसेक्राइड से डाई सेक्रेड में कन्वर्ट होता है डाई सेक्राइड से में कन्वर्ट होता है सो काइलो माइक्रॉन में बेसिकली पूरा काइलो माइक्रोन एक पूरा पैकेट में आप देखो तो उसमें ज्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा आपको ट्राई टू मर्क्यून ट्राइग्लेसराइड सो so, ये कायरोमाइक्रॉन्स जो हैं वो तो ब्रोकन डाउन होंगे गए इंटू दिट्स कॉन्स्टिटूट बाई लाइपोलाइटिक लाइपेस अभी काइलोमाइक्रोन काइलोमाइक्रोन को आप एक पैकेट समझ लीजिए चिप्स का पैकेट समझ लिए तो काइलोमाइक्रोन जो है ये ब्रोकन डाउन हो गया चिप्स के पैकेट के अंदर बहुत सारे चिप्स हैं अब क्या होगा अब वो चिप्स के पैकेट पर हमारा एक्ट करेगा लाइपोप्रोटीन लाइपेस अब लाइको प्रोटीन लाइपेस उस चिप्स के पैकेट पर एक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा ये जो माइक्रोन्स हैं काइलो का ब्रेक डाउन होगा और भी छोटे छोटे पैकेट्स में मतलब चिप्स का पैकेट से आपने चिप्स के पैकेट को आपने केची से काटा तो वो उसमें से और बतूँ और

आई होप यू आर गेटिंग इट अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं एब्स ऑप्शन ऑफ पॉसिबल लिपिट अब जो लिपिट्स हैं लिपि हमने देखा था कि अलग अलग है शॉर्ट फैटी एसिड्स है लॉन्ग फैटी एसिड्स है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उनका शॉर्ट फैटी एसिड्स जो है नेफा के फॉर्म में लॉन्ग फैटी एसिड्स हमारे काइरोमाइक्रोन्स बनेंगे और क्योंकि वो ट्राय ट्राइ ट्राइग्लिसराइड जो हैं उसके अंदर आ, मैक्सिमम अमाउंट में होंगे एंड ट्राइग्लिसराइड बेसिकली और, और काइलो माइक्रोन्स तो कायो से को आप चिप्स काइलो सी फॉर काइलो माइक्रोन्स और सी फॉर चिप्स तो आप चिप्स का पैकेट समझिए जिसपे लाइपेटिक लाइपेज जिसपे पैन करे जिसपे वो एड करेगा एंड वन सेट एड बेसिकली लाइपो प्रोटीन लाइपेज उस तो पर एड करेगा जिसकी वजह से वो चिप्स बिखर के सेवरल कॉन्सिटेट का हो जाएंगे अब हम देखेंगे लिपिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है तो फॉसोअलिपिड जो है वो सोल्यूबल होता है पानी में सो देयर आर देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर देयर एब्जॉर्प्शन सो क्योंकि फॉसोवा जो है वो पानी में सोल्यूबल होता है फॉसोलिपिड्स याद रखिएगा लिपिड्स नॉट लिपिड वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉसफो लिपिड जो है वो पानी में सोल्यूबल होते हैं इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि एब्जॉर्प्शन में वाटर सोल्यूड जैसे हमने बोला था शॉर्ट फैटी एसिड्स जो है वो फॉर सोलूबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं आती लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी उनको बाइल सॉल से कंबाइन करना पड़ा था ऐसा सब सो जस्ट लाइक फॉसोलिपिड सॉलिवल होते पानी में तो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनके एब्जॉर्ब्शन में इसीलिए वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में और अगर हम कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्ब्शन देखें तो सब फैट के टाइप ही है फैट ये सब बेसिकली आप सब कोलेस्ट्रॉल ये सब बोले ना तो ये बोलते ना इसकी उसके प्रजातियाँ हैं तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब जो है बेसिकली फैट ही है तो अब हम देखेंगे फॉस्फोलिपिड उसके बाद हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल फैट में भी कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्बशन कैसे होता है सो so, कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ईस्टरिफाइड कोलेस्ट्रॉलिफॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल हमें पता था ऑलमोस्ट दैट इज सेवनटीन कार्बन होते हैं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल में सो कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट हैविंग है कार्बन तो मतलब एक थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट फैटी एसिड तो है नहीं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ ईस्टरीफाइड कोलेस्ट्रॉल ईस्टरीफाइड कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है उसका ऑल तो ब्लड में बोथ बोथ

ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली एबजॉर्ब हो जाएंगे अभी उनको मेकअप की जरूरत है दे गॉन एस्टिफाइड वो अभी होंगे अभी वो एंड देन दे आर एब्बॉर्ब थ्रू द लिम्फेटिक रूट फिर वो क्योंकि हाई फैटी एसिड से एब्जॉर्ब हो तो होंगे वो लिम्फेटिक रूट से ही एबजॉर्ब होंगे ये याद रखिएगा आप जो हाई फैट हाई मोलिकुलर फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे लिम्फेटिक रूट से एब्जॉर्ब होते हैं जबकि लो मोलिकुलर जो हमारे वाटर के साथ ही डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के अलावा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई है उसके बाद हम देखते हैं स्टीरोल्स तो स्टीरोल्स में नन ऑफ द स्टीरोस आर एब्सॉर्ब्ड एक्जेप्ट कोई स्टीरोल स्टीरोल जो है वो बहुत हैवी हैवी होते हैं तो स्टीरोल्स है कोई भी एबजॉर्ब नन ऑफ द स्टीरोस आर एब्जॉर्ब्ड जो है एर्गोस्टीरॉल याद रखिएगा इट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाइन नन ऑफ द स्टीरो नन ऑफ द स्टीरॉल जो है वो आर एब्सॉर्ब्ड कोई भी स्टीरोल जो है वो स्टीरोब्सॉर्ब नहीं होता एक्सेप्ट एक्जेप्ट अर्गोस्टीरॉल नन ऑफ द स्टीरोल इज एब्सॉर्ब्ड एक्जेप्ट जो इट इज ऑल्सो एब्सॉर्ब्ड आफ्टर कन्वर्टेड टू

तो इस वे में हमारा होगा अब एंड आफ्टर द एब्सॉर्शन ऑफ स्टीरोल अब हम देखेंगे अनादर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दट इज अब थोड़ी ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन दिस इज अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट कैन मार्क इम्पॉर्टेंट सो वैन देन वी सी द बीटा दिस इज द न्यूरी ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन सो नूप जो है उसने परफॉर्म किया था एक थ्योरी सो नूब की इट्स परफॉर्म ड थ्योरी दैट ऑल द फैटी एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं एट बीटा कार्बन एटम जितने भी फैटी एसिड्स हमने देखा था फैटी एसिड जो है उनका ऑक्सीडेशन होता है एट द बीटा कार्बन एटम अब कार्बन एटम मेन जो हमारा कार्बन एटम है तो उसके जिस लाइक ये वाला कार्बन उसके जस्ट एक वन साइड वाला अल्फा कार्बन एटम उसके और एक साइड कार्बन छोड़ के भी दूसरा कार्बन एटम जो होता है दैट इज सेकेंड कार्बन तो हमारा वो होता है बीटा कार्बन एटम तो बीटा कार्बन ऑक्स ऑक्सीडाइज आपको बीटा कार्बन हमने पढ़ा है ये हमारे

कि दो टाइप के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे न्यूप ने कि ये प्रूव करने के लिए उसने कि फैटी एसिड्स कहाँ होते हैं बीटा बीटा कार्बन एटम पर ऑक्सरे होते हैं इसके लिए उसने दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे पहला क्या किया था उसने उसने फैट किया था मतलब कि फैटी एसिड कंटेनिंग ईवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके अंदर फैटी एसिड है मतलब फैटी एसिड कंटेनिंग ईवन नंबर ऑफ कार्बन एटम लाइक फैटी एसिड जो जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है लाइक एंड also they triggered with the phenylalanine and methyl and of the fatty acids to prevent the

उसने वो वाली वो वाली ऐसा ऐसा फैटी एसिड जो है इस टाइप का फैटी एसिड इवन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम वाले फैटी एसिड जो है उसको लिया और उसने क्या किया कि उसको खिलाया एंड टैग्ड विद फिलायल एलेनिन तो उस फैटी एसिड को उसने फिलाायल एलिनिन -e से टैग कर दिया आपने पढ़ा होगा ये बायोटेक्नो बायोटेक में अपने एलेवन ट्वेल्थ पढ़ा होगा और उसको पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आप टैग कर देते हैं तो उसने क्या किया था उसको टैग कर दिया था विद फिलायल एलेनिन फिनाइल एलेनिन एंड एट मिथाइल एंड ऑफ द फैटी एसिड फैटी एसिड का जो मिथाइल एंड होता है ना तो मिथाइल लैंड सी एच थ्री एंड जो है तो फैटी एसिड के सी एच थ्री एंड वाले साइड पे उसने वहाँ पे टैग कर दिया था एंड फिनाइल एलिडिन को टैग कर दिया था एट एंड जिसके वजह से क्या हुआ था टू तो प्रीवेंट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द टू एक्सपेरिमेंटल डॉग्स इसके वजह टू प्रीवेंट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन जिसकी वजह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना हो टू एक्सपेरिमेंटल डॉग्स दूसरा इसने क्या किया था इस, इस एक्सपेरिमेंट उसने क्या देखा था कि इसने ऑब्जर्व किया था कि जितने भी डॉग्स हैं उन सब ने, ने क्या क्या था उन सब ने फिलइलेक्सक्रिएट किया था अब व्हेन द डॉग्स एक्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीजन तो डॉग्स ने एक्सीटेट किया था फिनाइल एसिटिक एसिड जो वेन्स द डॉग एक्सिटेड द फिनाइल एसिटिक एसिड दैट कॉन्जुकेटेड विद द ग्लाइसिन दैट इज द ग्लिसाइन एंड टू फॉर्म द फिनाइल बट फिनाइल बट द एसिटिक एसिड इन द यूरिन सो वट हैपन्स इट्स वेरी सिंपल डोंट बी कन्फ्यूज उसने बेसिकली वट हैपन्स की जो न्यूप है न्यूप ने एक थ्योरी परफोर्म की थी 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 जिसमें ऑल द फैटी एसिड्स ऑक्सीडाइज होते हैं बीटा कार्बन आइटम पर तो उसने इसको बताने के लिए कि ऑल द फैटी एसिड और ऑक्सीडाइजर बीटा कार्बन आइटम उसके लिए इसने दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो हमने दो एक्सपेरिमेंट्स में हमने पहला एक्सपेरिमेंट क्या देखा पहला एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि उसने फे ने जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली फैटी एसिड के चेन हैं लाइक टू फोर सिक्स एट ऐसी एस, ऐसी फैटी एसिड के चेन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसने उसको उसके उसने उस कार्बन चेन के जो मिथाइल एंड है मिथाइल एंड को उसने टैक्ट किया था विथ फेनाइल एलेनाइन फेनाइल एलेनाइन एंड फेनाइल एलेनाइन ताकि टू प्रीवेंट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन और ये फेड कर दिया था उसने एक्सपेरिमेंटल डॉक्ट को ऐसा बैठीड उसने एक्सपेरिमेंटल पे कुत्तों को खिला दिया था फिर उसने क्या देखा अब एक्सपेरिमेंट क्या है तब उसका उसने कंक्लूजन उसका उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखा कि उसने देखा कि जितने भी डॉग्स हैं उन्होंने क्या एक्सक्रीट किया है उन्होंने एक्सक्रीट किया है फिनाइल एसिटिक एसिड एसेट, अब उसने उसके इनके एक्सक्रीटा को एनालाइज किया फिर ही सॉ दैट जो डॉग्स हैं उन्होंने एक्सक्रीट किया है फिनाइल एसिटिक एसिड जो कॉन्चुकेटेड किया विद द ग्लिसाइन विद फिनाइल एसिटिक एसिड जो कॉन्चुकेट किया विद ग्लिसन टू फॉर्म द फिनाइल एसिड फिनाइल एसिड यूरिक एसिड इन दर यूरिन जो कॉन्चुकेट जिसने कॉन्चुकेट कर रहा था ग्लिसाइन के साथ to form the phenyl acid uh, uric acid in the urine. देन there कम्स another एक्सपेरिमेंट सो so, another एक्सपेरिमेंट second फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया second एक्सपेरिमेंट क्या देखा उसने उसने देखा कि उसने odd नंबर ऑफ़ फैटी एसिड्स अब जैसे उसने अभी इवन खिलाए थी अब इस केस में उसने लाइक ऐसी फैटी एसिड का मॉलिक्यूल लाइक जिसमें एक तीन चार मतलब इतने नंबर वन थ्री फाइव सेवन कुछ ऐसे नंबर ऑफ कार्बन atoms हों तो अनादर एक्सपेरिमेंट ही फैट द ओल्ड नंबर ऑफ़ फैटी एसिड चेन end जो है बेसिकली उस मिथाइल एंड आर मिथाइल एंड टैक्ट विद उसके उसका भी सेम मिथाइल एंड जो है उसने टैक्ट किया था फिनाइल एलिन से टू प्रिवेंट द कम्प्लीट ऑक्सीडेशन टू एक्सपेरिमेंट डॉग इस केस में उसने क्या ऑब्जर्व किया फिर उसका कंक्लूजन देखा उसने कि जितने भी डॉग्स हैं उन्होंने एक्सक्रीट किया बेनजोइक एसिड पहले उन्होंने किया था फिनाइल एसिटिक एलेनाइल एसिड एसिड अब इसने अब अब उन्होंने एक्सक्रीट किया सब डॉग्स में बेनजोइक एसिड बेन्जोइक एसिड कॉन्चुकेटेड विद द ग्लिसन टू फॉर्म द हाइप्यूरिक एसिड इन द यूरिन याद रखिए

साथ और उसने क्या बनाया था आप इसे लिख सकते हैं फिनाइल एसिटिक एसिड आसिट प्लस ग्लिसाइन एंड दट फॉर्म्स लीड टू द फॉर्मुड फिनाइल एसिड यूरिक एसिड एंड जब उसने बेंजोइक एसिड बना था ओर के कारकेस में बेंजोइक एसिड में भी फिर से ग्लिसाइन के साथ uh, फॉर्म हो गया था बेंजोइक एसिड इस बेंजोइक एसिड इज बेसिकली फ्यूज विद द ग्लिसाइन एंड दिस फॉर्म द हिप यूरिक एसड इन दूरिन तो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ दिस इज द ओनली पॉसिबल जब बीट, जब ऑक्सीडेशन टेक प्ले था बीटा कार्बन इससे क्या आता है दिस इज द पॉसिबल ये ओनली पॉसिबल हुआ जब ऑक्सीडेशन हमारा टेक प्लेस हुआ द बीटा कार्बन आइटम बीटा कार्बन तो ये डिफरेंस आता है आपके ओड चेन कार्बन एटम और इवन चेन कार्बन एटम से कितना डिफरेंस आ गया आप देख खुद ही देख सकते हैं सो दैट्स अ थ्योरी पार्ट आपको लाइक like, कुछ चीज़ें होती है जो आपको एक्सपेरिमेंटल होते हैं तो so, आपको वही देखना है दिस इज द ओनली पॉसिबल जब ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन द बीटा कार्बन आइटम इसका ये तभी पॉसिबल हो पा जब ऑक्सीडेशन हमारा बीटा कार्बन आइटम पे हुआ तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड ऑफ द स्मॉल एक्टिविटी मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ जो अब हम देखें लिपिड में, में लिपिड का जो वर्किंग uh, पीरियड है फॉर द स्मॉल एक्टिविटी वी रिक्वायर मिनिमम ऑफ फोर हंड्रेड किलो कैलोरी पर एट आर पर आर एंड बी एम आर ए सिक्स ट्वेंटी सिक्स तो टोटल एनर्जी पर डे तो पर डे हमको टोटल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है अब हमको ये चीज़ अर्स डॉट वी डोंट लुक फॉर द कैलकुलेशन टोटल एनर्जी जो हमको पर डे रिक्वायर होती है दैट इज़ द टू सेवन नाइन एट किलो कैलोरी एंड देन आफ्टर दैट ये लिपिड वाला लिपिड टॉपिक्स के बाद हम लोगों को देखना होता है डिफेंड बी एम बी एम आर सो बी एम आर इज़ अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आई इज से यू कि ये वाला टॉपिक आपके इंटरनल्स पी यू सी यू यू सी सब चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे नॉर्मल भी फिजियोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सो विदाउट एनी लीड ले अब हम देखते हैं हमारा अलग टॉपिक दैट इज़ द बी एम आर सो डिफाइन द बी एम आर बी एम आर की क्या कंडीशन वॉट आर द कंडीशन जो रिक्वायर्ड होती है फॉर द मेजरमेंट ऑफ बी एम आर बी एम आर जो आप कैसे मेजर करते हो आर क्या कंडीशन है जिससे आप मेजर करते हो बी एम आर हाउ बी एम आर जो है मेजर्ड होती है उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दो एंड वॉट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बी एम आर सो ये आपके पी यू सी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं तो विद दैट आई होप यू आर गेटिंग ऑल माई दिस क्वेश्चन सो और बी एम आर सिंग द बी एम आर तो ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आ जाएंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मतलब ये क्वेश्चन पता होने चाहिए एंड देआर द मैक्सिमम चांसेस कि आपके ये क्वेश्चन आए एंड हम देखें बीएमआर को तो बी क्या होती है बेसल मेटाबलिक्रिएट सो रिक्वायर्ड जो पर्सन कंप्लीटली फिजिकल मेंटल रेस्ट होता है कंप्लीटली फिजिकली और मेंटली भी रेस्ट पर होते हैं बिल्कुल ही तो उस केस में जो आपकी आपकी जो एनर्जी उस केस में आपको जो एनर्जी चाहिए होती है ना तो वो एनर्जी है हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट तो ये एनर्जी जो है इज रिक्वायर्ड किस लिए चाहिए होती है सर्कुल सर्कुलेशन एंड डाइजेशन सर्कुलेशन आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है सब बॉडी को नॉर्मली पूरा ब्रेन सप्लाये है सर्कुलेट उसके लिए तो आपको एनर्जी चाहिए ना सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलेशन डाइजेशन चल रहा है एब्सॉर्बशन हो रहा है रेस्पिशन एक्सेट्रा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ये एक्टिविटी टीज़ इन सबके लिए आपको ये चाहिए होती है एनर्जी एंड ड्यूरिंग कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट एक्सेट्रा ड्यूरिंग द कंप्लीट फिजिकल एंड द मेंटल रेस्ट एंड इट इज़ फोर्टी किलो कैलोरी कितनी होती है हमारी बी याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपसे जनरली बायो केम के वाह में है और बायो केम स्पेशली बी एम आर बी एम आर जनरली टीचर्स का फेवरे लाइक like, के फेवरेट टॉपिक में आज से आ सकता है बी एम आर सो बी एम आर की आपको डेफिनेशन रट्टी होनी हुई चाहिए एंड uh, आपके टिप्स भी होनी चाहिए डेफिनेशन एंड ऑल्सो इट्स वैल्यू इट इज़ द फोर्टी किलो कैलोरी एंड नाउ लेट्स सी था हमने देखा था हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉट इवी द नेक्स्ट लेट इज दंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वी एम आर तो क्या कंडीशन है हमारे रिक्वायर्ड होती है मेजरमेंट ऑफ़ बी के लिए पर्सन शुड भी कम्प्लीटली फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट पर्सन जो है वो कम्पलीटली फिजिकल पर्सन शुड भी कम्प्लीटली फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट पर्सन जो है वो कम्प्लीटली फिजिकल और मेंटल रेस्ट पे होना चाहिए आइडियली बी एम आर शुड भी मेजर्ड एट द बैक साइड ऑफ द पेशेंट आफ्टर ओवर नाइट रेस्ट जो आइडियली अगर आप देखोगे पर्सन शुड भी कम्प्लीटली एक तो कंप्लीटली फिजिकल और मेंटल रेस्ट पे होना चाहिए तभी और जो उसकी जो बी एम आर आइडली जो बी एम आर है उसको कैसे मेजर करना चाहिए शुड बी मेजर्ड एट द बैक साइड द पेशेंट पेशेंट की बैक साइड पे आफ्टर द पे आफ्टर द बैक साइड ऑफ द पेशेंट इस तरह से उसको मेजर किया जाना चाहिए पर्सन जो है वो शुड बी ऑन पोस्ट एबजॉर्टिव स्टेट पसन जो है वो पोस्ट एब्जॉप्टिव स्टेट पर होना चाहिए पोस्ट एबजॉर्टिव स्टेट से हमारा क्या मतलब है कि उसने मतलब एनी थिंग इन द माउथ इज प्रायर टू द दस्टिमेशन ऑफ द बी एम आर लाइक जब आप उसके बी एम आर ले रहे हो तब उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया हुआ नहीं हो लाइक आप आपने मतलब सो के उठे हो जैसे सपोज आप रात भर सो के उठे हो ना आप सुबह आपके बी एम आर चेक करो बेस मेटाबॉलिक रेट तो इतने ड्यूरेशन से आपने कुछ कंज्यूम नहीं किया है तो दैट तो दैट तो पोस्ट एब्जॉर्प्टिव आपके खाने की बाद की स्टेट जब आपने बीच में काफी टाइम से कुछ खाया नहीं हो तो पोस्ट एब्जॉर्प्शन जब आपकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस टाइम पे आपका एब्जॉर्प्शन चल रहा था तो अ पर्सन शुड बी ऑन पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट जब दैट uh, इज उसने कुछ ही टेक एनी थिंग इन बाय हर माउथ ट्वेल्व आवर्स ट्वेल्व आयर्स प्रायर टू द एस्टिमेशन ऑफ बी एम आर्स आई होप यू आर गेटिंग ट्वेल्व आवर्स प्रायर टू द एंड ऑल्सो अगर हम देखें बी एम आर में इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें तो बॉडी सरफेस एरिया बी एम आर का जो है प्रोपोर्शनल टू बॉडी सरफेस बी एम आर जो है प्रोपोर्शनल टू बॉडी सरफेस एरिया लाइक अगर आपका बॉडी सरफेस का एरिया ज़्यादा होगा बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स आपके बी एम आर भी ज़्यादा होगी य चीज़ें हमें याद रखने समझने की होती है जस्ट अंडरस्टैंडिंग अगर आपके आपको देखना है कि किसी का बॉडी सर्फेस एरिया ज़्यादा है दैट मीन्स उसके बी एम आर भी ज़्यादा है और जितनी बॉडी सर्फेस एरिया ज़्यादा है हायर द बी एम आर एंड द वाइस वर्सा अगर आपका बी एम आर ज़्यादा है दैट मीन्स उसका बॉडी सर्फेस एरिया भी ज़्यादा होगा लाइक like, ट अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द बी कौन कौन से फैक्टर्स है जो बी को अफेक्ट करते हैं बी बेसल आर बटा वाले रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो बी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सो दे आर बेसिकली द एज एज अफेक्ट करती है बी जो है वो चिल्ड्रन में ज्यादा होती है बी को एज अफेक्ट करती है कैसे अब बी जो है वो चिल्ड्रन में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एडल्ट डू टू द मोर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू अब चिल्ड्रन में एक्टिविटी ज़्यादा होती है अब बी एम आर देखो चिल्ड्रन ही एडल्ट में अब बच्चे भागते फिरते रहते हैं दौड़ते रहते हैं तो मीस चिल्ड्रन में बी एम आर इफ कौन सा आपको बताओ ऐसे रटने की जरूरत नहीं है अब चिल्ड्रन अब एज देखा आपके क्या फैक्टर कौन कौन सा एज अब एज में चिल्ड्रन चिल्ड्रन की एज चिल्ड्रन में बीएमआर एम आर ज्यादा होती है अडल्ट कंपेयर टू क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो ड्यू टू द मोर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू द अडल्ट एंड दैन देअ कम्स द सेक्स सो बी एम आर जो है बी एम आर इज़ मोर एन मेल बी एम आर जो है इज मेल्स में ज़्यादा होती है इज कम्पेयर टू फीमेल बिकॉज ऑफ द बॉडी सर्वे एरिया कैसे कैसे इसका हमने बोला था बी एम आर इज प्रपोर्नल तो बॉडी सर्वेस एरिया मेल का बॉडी सर्फेस आप देख रहे हैं है, हाथ मतलब बेसिकली उनका बॉडी जो है बहुत वाइड ब्रोड एंड वाइड उनका बॉडी सर्वेस एरिया ज़्यादा होता है कंपेयर टू द बॉडी सर्वेस एरिया ऑफ द वुमेन सो इस वजह से बॉडी सर्वेस एरिया हमने बोला था इस प्रपोर्शनल जो बी एम आर सो बी बॉडी सर्फेस एरिया उनका ज़्यादा है दट मीज उनकी बी एम आर भी ज़्यादा होगी Mm-hmm. आफ्टर दैट देयर कम्स द क्लाइमेट सो क्लाइमेट कैसे करता है कि क्लाइमेट बी एम आर जो 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 है ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वॉर क्लाइमेट ड्यू टू द हाई एक्टिविटी ऑफ डिश्यूज़ अब कैसे होता अब क्लाइमेट इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी सिंपल कि लाइक जैसे हमें ठंड है अभी सपोज अभी ठंड है तो ठंड में आपको क्या लगता है लाइक आप कैसे आप, 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 आप हाथ सकड़ के बैठ जाते हैं लाइक आपकी एक्टिविटी आप कुछ ना कुछ आपको काम आपको ठंड भगाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हो सो so, कुछ ना कुछ आपका काम करने की वजह से आपकी बॉडी से जो हीट जनरेट होती है तो बेसिकली आपको आपकी टिश्यू को वर्क करना पड़ रहा है तो टिश्यू को जब आपका टिश्यू हीट जनरेट करने के लिए वर्क करेगा तो बेसिकली उस कंडीशन में बी एम आर ज़्यादा होगी तो हीट जब समर है समर में आपको ऑलरेडी सन से हीट है पूरा इन्वायरमेंट हीटअप है तो आपको आपका बेसिकली इनसाइड बॉडी एक्टिविटी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी सो के। तो उस केस में इसीलिए बी कम होती है समर में और विंटर्स में क्योंकि हमें हमारे बॉडी को हीट जनरेट हमारे टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए बॉडी हीट जनरेट करती है तो इस वजह से हमारे बीएमआर ज़्यादा होती है इनका होता है कोल्ड क्लाइमेट आई होप यू गॉट इट जो क्लाइमेट कंसर्ट क्लाइमेट के कैसे अफेक्ट करता है बेसिकली बी को उसके बाद हमारे तैयार रहते हैं रेशियल वेरिएशन मतलब स्किन आपकी कलर कलर रेशियल वेरिएशन सो तो इट इज़ रिकॉर्डेड कि बी एम आर जो है वो ज़्यादा होती है इन अमेरिकन एज कम्पेयर टू द इंडियंस बी एम आर अमेरिकन में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू तो द इंडियंस कैसे फर्दर कि हमने वही बोला था क्लाइमेट क्लाइमेट का काफ़ी वेरिएशन आ जाता है इसमें और फर्दर इट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड कि बी एम आर जो है वो ज़्यादा होती है इन एस्किनोज एज कम्पेयर टू द इंडियंस एस्किनोज में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इंडियन एंड ऑल्सो न्यूट्रिशन अगर आप देखिए तो न्यूट्रिशन में माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन में कभी एम कम होते हैं इस कम्फर्ट तो वेल ले आप अच्छा खाना ले रहे हो आप अच्छी डाइट ले रहे हो तो अच्छा खाना अच्छी डाइट कंज्यूम कर रहे ताकि हो आपकी बॉडी वर्क करेगी आपकी बॉडी चलेगी हीट प्रोड्यूस होगी तो बी एम आर बढ़ती है उस केस में और जब आपको कोई बच्चे को माल न्यूट्रिशन है पॉवर्टी है तो उस केस में उसके डेफिनेटली बी एम आर जो है वो कम रहती है सो दैट इज़ द बी एम आर कंसेप्ट इन कम फॉर द न्यूट्रिशन बी एम आर कैसे बी एम आर कैसे अफेक्ट होती है द न्यूट्रिशन उसके बाद आते हैं हमारे पास डिजीज स्टेट ये डिजीज स्टेट इजर फैक्टर की बी एम आर इंक्रीज हो जाती है इन ऑल दो डिजीज है जहाँ पे जो सेलुलर एक्टिविटी इंक्रीजेस अभी पे अगर, अगर सेल की एक्टिविटी टिश्यू की एक्टिविटी हम बोल रहे हैं ऑल ओवर तो वो इंक्रीज हो रही है जब उसको काम करना पड़ रहा है तो बी एम आर की एक्टिविटी भी इंक्रीज आप बिल्कुल सेपरेट पॉइंट में बोलें या फिर एक ही उसमें कंबाइंड वे में अंडरस्टैंडिंग है बोलें दट दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि डिजीज स्टेट में आपका टिश्यू सेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है अब सेल की एक्टिविटी बढ़ गई तो उसके अनुसार बी एम आर जो है बढ़ जाती है सच इज ल्यूकेमिया हाई टेंशन टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाईन आपको जब बेसिकली uh, फीवर आता है तो फीवर तो टिश्यू वगैरह की एक्टिविटी हीट जनरेट होती है जहाँ भी आपको उससे ना हीट जनरेट हो रही है दैट मीन्स बी एम आर बढ़ी हुई है उस केस में हीट जनरेशन uh, बुखार में हमारा सिर गर्म हो जाता है तो उस केस में हमारी बी बढ़ जाती है बेसर मोटर वाले रेट जो है बढ़ गई दैट मीन्स हमारा ते, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया बी बढ़ गई है उसके अलावा हार्मोनल स्टेटस देन कम्स द हार्मोनल स्टेटस सो हार्मोनल बीएमआर जो है वो इंक्रीज करती है इंक्रीज जाती है इन द हाइपर थायरोडिजम थायरोड जो है वो हमने बोला था हाइपर थायरोडिजम थायरोड का लेवल अगर बढ़ जाता है तो बीएमआर भी इंक्रीज हो जाती है सेलुलर एक्टिविटी से रिलेटेड इट्स रिलेटेड सेलुलर एक्टिविटी एंड ऑल्सो डिक्रीजेज द इन हाइपर थायरोडिज्म हाइपर थायरिज्म में कम हो जाती है एंड ऑल्सो इन एडिसंस डिजीज एंड एडिसंस डिजीज में भी एंड वेयर एड्रिनल एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है एडिनल एडिसन डिजीज में हमारी एडीडिनल एक्टिविटी देखने ज़्यादा देखने को मिलती है उसको बताता आ, उसके अलावा हमारे पास अनादर फैक्टर है दैट इज़ अ प्रेगनेंसी हाउ प्रेगनेंसीफेक्ट द बी एम आर तो बी एम आर बढ़ जाती है लेट प्रेगनेंसी ड्यू टू द एडिशन ऑफ बी एम आर ऑफ द फीटस अब प्रेगनेंसी लाइक प्रेगनेंट एक प्रेगनेंट वुमेन में जो फीटस है फीटस में फीटस की एक्टिविटी फीटस को भी ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होता है फीटस को सप्लाई है द फीटस अब फीटस के पास जो न्यूट्री है वो आ रहा है हमारे मदर के पास से सो so, बेसिकली तो मदर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है तो मदर के पास एक्स्ट्रा उसकी बॉडी में हीट जनरेट एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है फॉर द फीटस फॉर नरिशिंग द फीटस सो इस वजह से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स बॉडी को वर्क करना पड़ा मतलब हीट जनरेट हुई और दट इज द बी एम आर भी हमारी जनरेट हो गई बी एम आर इंक्रीज हो चुका है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी सो आई होप दिट्स प्रेगनेंसी पार्ट यू गॉड हाउट इट्स इंक्रीजिंग इन केस ऑफ प्रेगनेंसी दैन देआर कम्स वेजिटेरियन एंड नॉन वेजीटेरियन सो बेसिकली नॉन वेजिटेरियन में बी एम आर ज्यादा होती है एस कंपेयर टू वेजीटेरियन वेजीटेरियन में वेजिटेरियन में कम होती है नॉन वेजीटेरियन का फूड है वो बेसिकली हाई हाई प्रोटीन हाई रिच फूड है दैट मीन्स उसमें बी एम आर जो है उससे बढ़ती है ऑल्सो हाइट और वेट द एरिया जो है स्क्वायर सेंटीमीटर एज कम्पेयर टू उसके अलावा हमारे पास एनर्जी कन्जम्प्शन आर इज़ डिवाइडेड द बॉडी सर्फेस एरिया एनर्जी कन्ज्प्शन पर आर जो है इज़ बेसिकली डिवाइडिंग दॉडी सर्फेस एरिया बाय द बी एम आर उसके अलावा इस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दीज पॉइंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट आपने देखा कि दीज आ द फैक्टर्स नाइन फैक्टर्स आप याद रखें दैट इज सफिशेंट एंड उसके बाद हमारे पास आते हैं क्लीनिकल सिग्निफिकेंस क्लिनिक बी एम आर का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है बी एम आर होती है हमारे बॉडी में ठीक है कि बी एम आर हमारे मतलब जो है मतलब हमको पता चल रहा था क्या फैक्टर्स भी बढ़ रही हो रही है पढ़ क्यों रहे हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका आपको जब आपको जब तक आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा आपको उसको मतलब लाइक बोरिंग सा फील होगा लाइक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा हम क्यों पढ़ रहे हैं तब हम इसका क्लिनिकल फिल्क्स देखते हैं कि क्यों एक्चुअली क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सो बी एम आर हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है बी एम आर मेज़र करना और बी एम आर के बारे में इंफॉर्मेशन होना बिकॉज बी एम आर जो है वो इंक्रीज़ करती है हाइपर थारोडिज्म में डिक्रीज होती है हाइपर थारोडिज्म में और हाइपर थारोडिज्म में तो बेसिकली आपको बी एम आर आपकी अगर आपकी बॉडी में बी एम आर ज़्यादा कम हो रही है तो आप कह सकते हैं बी एमर बढ़ रही है दैट मीन्स आपका हाइपर थारोडिजिजम का केस बन रहा है ये वाला बी एमर बढ़ रही है दैट मीन्स आपको हाँ, आपको हाइपर थायरोडिज़म हो सकता है आपकी बी एमर कम हो रही है डॉक्टर ने कहा कि हाइपो बी एम आर कम हो रही है दैट मीन्स इट कुड बी लीड टू द हाइपर थायरोडिज़म ऑल्सो

एक स्टैंडर्ड पर्टिकुलर वैल्यू अगर आपको बोल दी सो दैट इज़ अ फोर्टी किलो नॉर्मल बी कितनी होती है फोर्टी किलो कैलोरी पर आर, और थोड़ा सा अगर आपको वेरिएशन वेरिएशन लगे आपकी बी एम अगर आप चेक की थर्टी से फोर्टी तक आ रही है किलो कैलोरी पर आर तो ये मतलब नॉर्मली है तो इसमें कोई इशू नहीं है हाइपर के केस में बढ़ जाती है हमने बोला था बी तो फोर्ट से थर्टी से फोटी मतलब बहुत ज्यादा जाती है ये कितनी हो जाती है सिक्सटी से सेवेंटी तो आपको स्पेसिफिक वैल्यूज़ आप नहीं याद रखेंगे तो भी जरूर चलेगा हम बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि हाइपरथायरोडिज्म में बी जो है कंपेरेटिवली फोर्टी से मतलब फोर्टी नॉर्मल है तो फोर्टी से कंपेरेटिव थोड़ा बढ़ जाती है साठ से सत्तर हो जाती है लगभग आईपो में हमने देखा था कि बी कम हो जाती है तो बी एम आर थर्टीस से चालीस थर्टी फोर से फोर्टी एट से भी कम हो जाती है दैट मींस बेसिकली वो सोलह से अट्ठाइस तक पहुँचाती है लगभग सिक्सटीन टू ट्वेंटी एट बी एम कम हो जाती है उसके अलावा हमारे पास उसके पास क्या एक्शन है उसका लैंड इन कम्स से अनादर स्टाफ दैट इज द स्टिमुलेट्री एक्शन ऑफ द फूड स्टफ ऑन द स्पेशल डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड एस डी ए अब ये वाला काफी ये वाला टॉपिक भी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर पी ओ सी एंडली स्टिमुलेटरी एक्शन ऑफ फूड फूड जो आपके खाने का जो क्या एक्शन होता है ऑन और द स्पेशल डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड फूड हम खा रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं उसका क्या स्पेशल डायनामिक एक्शन होता है स्टिम्युलेटरी एक्शन ऑफ द फूड स्टॉफ और इज द स्पेशल डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड और एस डी है अब इसको एस डी भी बोल सकते हैं सो so, बेसिकली क्या होता है इट इज द एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन ओवर एंड ओवर ओवर एंड अबव द कैलोरीफिक वैल्यू आपके जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसके उसके बियॉन्ड एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन होता है ओवर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ गिवन मास ऑफ फूड आपका कोई फूड का गिवन मास है उसके अबव इट इज द एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन ओवर एंड अबव द गिवन मास ऑफ फूड ओवर द अबव द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ गिवन मास ऑफ फूड वेयर इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस जो है बाय द वीक वर्क जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है हमारे वर्क से इट्स बाय द वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द डाइजेशन जो हमारी एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है जब हम है वर्क करते काम कर रहे हैं आप तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है बाय द वेरियस ऑर्गन इन्वॉल्व इन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन रेस्पिरेशन सर्कुलेशन एक्सेट्रा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वन ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं फोर फोर के कैलोरीज एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है आपकी फोर फोर की कैलोरीज प्रोवाइड करती है ऑफ द हीट वन ग्राम कार्बोहाइड्रेट रिमेंबर वन ग्राम कार्बो कार्बोहाइड्रेट के फोर कैलोरीज ऑफ हीट प्रोवाइड कर दिया और इसलिए पच्चीस ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू पच्चीस इन फोर दैट इज हंड्रेड ग्राम हंड्रेड किलो कैलोरीज प्रोवाइड कर दिया तो किलो कैलोरीज तो आपके एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना प्रोवाइड करता है कैलोरीज वन ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपका आपका चार किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है इस वजह से पच्चीस पच्चीस ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारा प्रोवाइड करेगा फोर इंटू ट्वेंटी वाइन हंड्रेड ग्राम ऑफ कैलोरीज बट प्रैक्टिकली इट प्रोवाइड करता है हमारा एक सौ पच्चीस कैलोरीज ऑफ हीट तो फाइव तो इस वजह से होने से तो बेसिकली इट्स बट प्रैक्टिकली इट प्रोवाइड्स दन जीरो फाइव कैलोरीज ऑफ द हीट दिस फाइव परसेंट कैलोरीज जो है फाइव परसेंट किलो कैलोरीज जो है वो एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन इसको हम क्या बोलते हैं एक्सप्री ज बेसिकलीट इज नोन एज द स्टिमुलेटरी स्पेशल डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड स्पेशल डायने आपसे नॉर्मली पूछ सकते हैं फूड तो स्पेशल डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड क्या है जो हमारी एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन हुई है अभी हमने देखा था कि यार हमारे हंड्रेड किलो के लोटेज हीट को होनी चाहिए बट प्रैक्टिकली वो कितना प्रोवाइड करता है हंड्रेड आपकी अगर आप, आप देखो आपने काउंट करके आप निकालोगे तो पच्चीस ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे पच्चीस आप आपने एक ग्राम जो है फोर किलो तो पच्चीस पर वो प्रैक्टिकली उसने सौ किलो कैलोरी प्रोड्यूस करना चाहिए था उस उसको एक मतलब एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट को लाइक हूँ लाइक like, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारा फोर किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है तो पच्चीस हमको हमारा करना चाहिए सौ लेकिन हमने जैसा ऐसा देखा पच्चीस सौ करना चाहिए बट एक्चुअली पच्चीस ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है कितना करता है वो एक सौ पाँच करता है तो ये पाँच जो है हमारा एक्स्ट्रा जो है सो इज तो हीट तो ये फाइव परसेंट एक्स्ट्रा किलो कैलोरी जो है हीट का प्रोडक्शन इसी को हम क्या बोलते हैं स्पेशल डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड मतलब उससे ज्यादा याद रखिएगा आपका हाँ आपका आना चाहिए तो सौ चाहिए था बट आपका कितना आ रहा है एक तो यही जो ये जो एक्स्ट्रा 5% जो एनर्जी जो है एक्स्ट्रा 5% ऑफ हीट प्रोडक्शन जो है इसको हम को बोलते हैं स्पेशल डायनेमिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सिमिलरली एक ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड करता है 11 किलो कैलोरीज सो 9 ग्राम ऑफ फैट जो है वो प्रोवाइड करेगा एंड प्रोवाइडेड सो बेसिकली 9 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड 100 किलो कैलोरीज ऑफ हीट बट प्रैक्टिकली प्रोवाइड्स अ 11 कैलोरी प्रैक्टिकली इट प्रोवाइड्स द वन वन थ्री कैलोरीज ऑफ द हीट सो ये तेरह परसेंट जो एक्स्ट्रा हीट सो तेरह परसेंट जो एक्स्ट्रा हीट का प्रोडक्शन हुआ है सो so, इसी हीट के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं तो so, इसी हीट के प्रोडक्शन को, को स्पेशल डायनेमिक एक्शन ऑफ फैट स्पेशल डायनेमिक एक्शन ऑफ फैट इन केर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर कार्बोहाइड्रेट में हमारी एक्स्ट्रा 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 हीट प्रोड्यूस हुई है तो स्पेशल डायनेमिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे फैट के, के केस में एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हुई है तो हम उसके उसको क्या बोलेंगे स्पेशल डायनेमिक एक्शन ऑफ फैट तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है सिमिलरली एक ग्राम प्रोटीन हमारे चार किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है तो पच्चीस ग्राम प्रोटीन कितना प्रोवाइड करेगा पच्चीस ग्राम ऑफ प्रोटीन हमारे प्रोवाइड करते हैं हंड्रेड पच्चीस इंटू फोर दट इज द हंड्रेड किलो कैलोरीज ऑफ द हीट पर प्रैक्टिकली कितना हमारा हमारे अकॉर्डिंग वो हंड्रेड ऐसे प्रोवाइड करनी चाहिए बट एक्चुअली उसने कितनी प्रोवाइड की उसने प्रोवाइड किया हमको वन थर्टी सो ये तीस जो है एक्स्ट्रा ये पर ये थर्टी जो एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन है इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं थर्टी जो एक्स्ट्रा हेट इसी को हम बोलेंगे स्पेशल डायनेमिक एक्शन ऑफ द प्रोटीन सो कार्बोहाइड्रेट इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल सो सो इसका जो स्पेशल डायनेमिक एक्शन है ओनली फाइव परसेंट सबसे और uh, कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल अभी हमने देखा तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या कॉम्प्लेक्स होता है लिपिड्स कॉम्प्लेक्स तो कार्बोहाइड्रेट हमारा सबसे सिंपलेस्ट है उसका आपने देखा कितना कम है स्पेशल डायनेमिक एक्शन ऑफ जो फू कार्बोहाइड्रेट है वो सिर्फ पाँच परसेंट है हमारे जो एक्चुअल जितना आना चाहिए था उससे सिर्फ पाँच परसेंट ज़्यादा आया है तो वो सबसे सिंपलेस्ट है जबकि प्रोटीन का आपने देखा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है मेडअप ऑफ अमीनो एसिड तो उसका जो मैक्सिमम स्पेशल स्पेशल एक्शन एनर्जी हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट में बस पांच परसेंट एक्स्ट्रा यहाँ आपको याद रखना कार्बोहाइड्रेट में पांच परसेंट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई जबकि प्रोटीन है प्रोटीन तो कॉम्प्लेक्स तो प्रोटीन में तो हमारी तीस परसेंट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई हमारी सौ हमारी तो हंड्रेड बननी चाहिए पर हमारी हंड्रेड से कितनी बनी वन थर्टी तीस परसेंट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई और नॉर्मली वी डू नॉट टेक एन इंडिविजुअल इन्ग्रीडियंट ऑफ द डाइट एक्चुअली क्या होता है नॉर्मली तो हमको एक इंडिविजुअली इन्ग्रीडियंट नहीं लेते ऑफ द डाइट वी आर टेकिंग अ मिक्स डाइट हमको ऐसे नहीं होता कि आप स्पेशली प्रोटीन खा रहे हो आप स्पेशली कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो ऐसा नहीं होता जनरली आप मिक्स जनरली नॉर्मली आप कुछ खाओ पियो पूरे दिन भर में खाओ तो आपकी बॉडी में एक मिक्सड डाइट चली जाती है कि आप कभी ये खा रहे हो कभी वो खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं आपको प्रोटीन फैट्स सब चीज़ें मिल जाती हैं तो इस वजह से हमको एक मिक्स टाइप की डाइट्स मिल जाती है विच कंटेंट जिसमें हमको तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं प्रोटीन्स मिल जाते हैं फैट मिल जाते हैं सो स्पेशल डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड जो है वहाँ पे एक विल नॉट सम ऑफ द इंडिविजुअल सो स्पेशल डायनेमिक एक्शन जो है विल नॉट बी सम ऑफ द इंडिविजुअल स्पेशल डायनेमिक एक्शन ऑफ द एस डी ए बेसिकली ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स बिकॉज वी डू नॉट नो द इंटरफेरेंस ऑफ दीज इग्रीडियंट्स विद ईच अदर क्योंकि हम मिक्स डाइट क्योंकि हम मिक्स ले रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि एस डी ए किसका अफेक्ट कर रहा है एस डी एफ कौन से इंग्रीडियंट जो है बिकॉज कौन सा चीज़ का इन्ग्रीडियंट इंटरफेयर कर रहा है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डाइट नहीं ले रहे हैं सो फैट जो है फैट रिड्यूज द स्पेशल डायनेमिक एक्शन ऑफ प्रोटीन जो और फैट अब अगर आप लेते हो तो फैट एक तरह से लाइक बोलते ना उसका जैसा कोई काम करता है तो हमारा रिड्यूस कर देता है स्पेशल डायनेमिक एक्शन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन का तीस जो हो रहा है अगर आप फैट लोगे तो एसडीए को कम कर देता है तीस से कम कम एसडीए तीस परसेंट से कम हो जाता है लाइक like दैट अब हमारे एस डी ए पढ़ लिया एस डी होप अब क्लियर हो रहा है आपको एस डी ए और भी कोई टॉपिक अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आप अगेन से रिपीटिंग कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप कोई भी चीज़ का डाउट है तो आपको क्वेरी नहीं रखिएगा आप पूछ सकते हैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू आंसर फॉर यू क्वेश्चन उसके अलावा एस डी हमने देख लिया जो एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होती है उसके अलावा अब नाउ दिल से राइट ऑन एस ऑन द बैलेंस डाइट तो बैलेंस डाइट जो है बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा तो बैलेंस डाइट में हमारी एक पर्टिकुलर कैलोरी इफेक्ट वैल्यू वगैरह होती है एंड uh, उसके अलावा हमारे बैलेंस डाइट में आपका ये वाला जो uh, इम्पॉर्टेंट है दैट इज सी ओ ओ एच ये वाला ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा ग्लूटामिक गिक एसिड में ग्लूटामिक एसिड आप याद रखिएगा ग्लुटामिकसिड फॉर्मूला सी डब्लो एच एसिडिक दट इज द एसिड सी डब्लो एच एंड देन देर कम्स सी एच टू सी एच टू सी एच सी डब्लो एच एन एच टू इस तरह के ग्लूटामिकसिड आपका याद सी एच सी एच टू सी एच टू सी एच सी एच सी एन एच टू एंड गामा अमीनो टू एसिड गामा अल्फा बीटा गामा गामा पे हमारा अमाइन ग्रुप लगा हुआ है देख सकते हैं आप देखिए एसिड ग्रुप में एंड दे बीटा गामा गामा पोजीशन पे हमारा अमाइन ग्रुप लगा देना है हमको पहले हमारे पास था ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड लाइक आपके आपका देखिए ये दिस ये, दिस वन फर्स्ट एंड सेकंड बहुत सारा तो सेम सेम बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही कंपाउंड जैसे दिख रहे हैं तो अब हमने अभी उनको क्यों बोला क्योंकि हमें काउंटिंग इधर से करनी है फर्स्ट वाले कंपाउंड में हमने काउंटिंग इधर से की थी तो इस ये पोजिशन में नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड था अब हमारे पास इस, इस कंडीशन में सी डब्लो एच दो साइड नहीं है सी ओ ए डब्लो एच वन साइडेड है लीविंग इट हम देख रहे हैं ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिकसिड कन्वर्ट इन टू अल्फाइनो ग्लूटारिक एसिड अब हम देखते हैं यूनि

न फॉस्फेट सिंथेटिक्स ए टी पी से ए डी पी कन्वर्ट होगा और कार्बामिल फॉस्फेटेड सिंथेटिक्स कार्बामिल फॉस्फेटेड सिंथेसिस से कार्बामिल फॉस्फेट बनता है वट हैपन्स इट्स वेरी सिंपल आपको कन्फ्यूज में होगा ये थोड़ी आपको कॉम्प्लेक्स लग सकती है बट एक्चुअली अगर आप इसको समझेंगे इनको याद करेंगे एक बार इसको कॉपी पे विद मी अलॉन्ग विद रिकैप करेंगे तो ये आपके टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा हम देखते हैं यूरिया फॉर्मेशन यूरिया कैसे बन रहा है हमारी बॉडी में सो मेटाबोलिक सीओ टू सीओ टू जो है सीओ टू के इंपॉर्टेंट मतलब सबसे पहले इसमें हमें सीओ टू और अमाइन ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो क्या होता है हमारा जो अमाइन ग्रुप है एनएच टू एन एच टू के साथ क्या होगा सीओ टू कंबाइन होगी दैट मीस कार्बन डाइऑक्साइड अमाइन ग्रुप के साथ हमारे कंबाइन हुए कार्बन डाइऑक्साइड अमाइन ग्रुप एन एच टू प्लस सीओ टू इसका ये कंबाइन हुई और वाया एक्शन ऑफ कार्बामिल फॉस्फेटेस सिंथेटिस अब इसके पे कौन एड करेगा कार्बामिल फॉस्फेटेस सिंथेटिस कार्बामिल फॉर्म्स सिंथेटिस कार्बामिल फॉस्फेट कार्बामिल फॉस्फेट बना लेगा कार्बामिल फॉस्फेट जो है प्लस ऑर्निथिन कार्बामिल प्लस ऑर्नीथिन ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं कार्बामिल प्लस ऑर्नीथिन ये दोनों फॉर्म करेंगे वाया एक्शन ऑफ ट्रांस ऑर्थिन ट्रांस ट्रांस कार्बो एक्शन ऑफ ऑर्थिन और ये किससे वाया एक्शन ऑफ कार्बोमिल ऑर्नीथिन दे फॉर्म द दिट्रोलिन और ऑर्नीथिन जो है बेसि और

सक्सीनेट सिंथेटिस ऐड करेगा प्लस एंड एस्पार्टिक एसिड गोन एक्ट ऑनिनोट पर ऐड कर देगा फ्यूमरेज आर्जिनो सर्जिनो सक्सीनेट पर ऐड करेगा हमारा फ्यूमरिज फ्यूमरेज क्या बनेगा and fumaric acid. Fumaric acid, अब आर्जीन एंड फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड आरजिन को इन को कन्वर्ट करना है तो आरजीन इन को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आरजीनेस काम करता है इसके बाद हमारा Arginine and acid pe करेगा और यूरिया और ऑर्निथिन रिलीज हो जाएगा ornithine, 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 ornithine. इस वजह से हमारा ऑर्निथिन आया था ना तो ऑर्निथिन हमारा कैसा आया था बेसिकली ऑर्निथिन हमारा इसी वे में आया था की जो सिट्रोलिन है सिटोलिन पे कौन ऐड करता है सिट्रोलिन पे हमारा एस्पार्टिक एस्पार्टिकर्जिनो सक्तीनेट एंड एस्पार्टिक एसिड ऐड करता है जिससे आर्जिनो सक्तिट बनता है आर्जिनो सक्सेट हमारा फ्यूमेरिज फ्यूमेरिजाइम से आर्जिनिन एंड फ्यूमेरिन बना फ्यूमेरिक एसिड बनाता है फ्यूमेरिक इन सब पे एड करता है आर्जीज आर्जिनेस आर्जिन से इन पर एड करता है और क्या बना लेता है औरथिन एंड यूरिया ऑर्नीथिन जो है हमारे कार्बोमिल फॉस्फेटेज के साथ कंबाइन हो जाता है कार्बोमिल फॉस्फेटेज के साथ कंबाइन होकर ऑर्नीथिन ट्रांसकार्बोलाइज बना ऑर्नीथिन्बोलाइज ट्रांसकार्बोलाइजेस बना लेता है है तो ये ऑनिथी ट्रांसफर कार्बोलाइज है तो दिस इज अ प्रोसेस एंड आफ्टर दैट देयर कम्स अनादर टॉपिक दैट इज डिफरेंट दैट इज द बाय द एक्टिव प्रोसेस एंड डी दो है डिफ्यूजन प्रोसेस इज ऑल्सो अ स्लो प्रोसेस ऑल दी जो अमीनो एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वेरियस ग्रुप्स में बाय द डिफरेंट मेटाबोलिज्म ये ग्रुप्स में क्या होते हैं शॉर्ट चीन अमियो अभी हम अमीनो लिपिड का मोटाबल अभी हम पूरा लिपिड का मोटाबोलिज्म देख रहे थे तो ये शॉर्ट चेन अमिनो एसिड लॉन्ग चेन अमिनो एसिड्स एंड दैन देर कम्स अनादर टॉपिक ये शॉट चेन अमिनो एसिटी इनका ट्रांसपोर्ट जो है ये डी आर एब्सॉर्ब बाई दैसेव प्रोसेस डिफ्यूजन प्रोसेस एंड इज ऑल्सो स्लो प्रोसेस ऑल द अमीनो एसिड आर ट्रांसपोर्टेट बाई वेरियस ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट मैकेजम ग्रुप्स का क्या होता है शॉर्ट चेन अमीनो एसड जैसे ग्लूकोज ग्लाइसिनोगा कौन कौन सा शॉर्ट चेन अमिनो एसिड हमने बोला था कि लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन तो लॉन्ग चेन तो शॉर्ट डी ग्रुप क्या है शॉर्ट चेन अमिनो एसिड्स ग्लाइसिन लाइसिन आइसोल्यूसिन एलवेलाइन

Osionfish. तो ट्रांस अमीनो एसिड जो है क्या होता है अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा जाए ट्रांस अमीनो एसिड पे तो ट्रांस अमीनो तो ट्रांस अमाइलेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड को टू प्रो टू पेट्रो अमीनो एसिड ट्रांस अमाइलेज एंजाइम कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड को आपका जो नॉर्मल अमीनो एसिड है लाइक ट्रांस अमीनो एसिड क्या होता है आपका अमीनो एसिड है अमा अमीनो एसिड पर हमारा क्या ऐड करता है ट्रांस अमाइलेज एंजाइम आपका जो अमीनो एसिड है अमीनो एसिड पर हमारा ऐड कर देगा ट्रांस अमाइलेज एंजाइम ट्रांसामाइलिस एंजाइम जो है उस पर एड करेगा और क्या फॉर्म करेगा पेट्रोमिनो एसिड नॉर्मल अमीनो एसिड था वो कन्वर्ट हो जाएगा पेट्रो एसिड एसड ट्रांस ट्रांसामाइलिस एंजाइम और सचेज पेट्रो एसिड जैसे क्या एसिड जैसे सी थ्री सी एच जो है लाइक इ कन्वर्ट इन लाइक फॉर एग्जाम्पल सी एस थ्री सी टू सी एसिड एंड फॉर्म द अल्फा कीटो एसिड जिस स्टेप अगर आप नहीं लिखे तो भी इट्स बिल्कुल कम्प्लीटली फाइन है आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो आपका अमीनो एसिड है नॉर्मल अमीनो एसिड वाइए ट्रांसअामाइलेज एनजाइम नॉर्मल अमीनो एसिड ट्रांसअामाइलेज एनजाइम से कन्वर्ट हो गया है पेट्रो अमीनो एसिड में और सो so, सिन uh, uh, जो है बेसिकली ग्लूटामिकायरवेट जो है एजीपीटी सिन ग्लूटामेट जो सिन ग्लूटामिक पायरोट ट्रांस जो है सिंस ग्लूटाम एस याद रखिएगा ये बार बार ही मॉलिकुल रिपीट होगा एस जी पी तो इसका फुल फॉर्म क्या है सिन सिन uh, ग्लूटामिक पायरोवि ट्रांसामाइनिस पायरोविट ट्राइमाइनज फोकेट सिंस ग्लूटामिरोस डायरेक्टली फुल फॉर्म एस जी पी डी सिंह ग्लूटामिट पायरोवे ट्रांसामाइनेज सो है इज इन इंपॉर्टेंट ट्रांसामाइनेस जो इनक्रीज करता है लिवर डिजीज लिवर की डिजीज को बढ़ा देता है सर जैसे हेपाटाइटिस लिवर कारोसिस है जो फैटी लिवर एल्कोहल्स वगैरह होती है सिमिलरली hmm. जो आ, एस जी ओ टी है आपने देखा एस जी पी टी एल जी पी टी जो है इम्पोर्टेंट ट्रांसमेजर ट्रांसअमाइनेज हमने देखा देखिए व्हाट हैपेंस कि ट्रांस, आ, ट्रांस जो है सी जो आ, अमीनो एसिड था अमीनो एसिड कन्वर्ट हुआ स्टार्टिंग से आपको बताते हो अमिनो एसिड कन्वर्ट हुआ हमारे ट्रांस अमाइलेज एंजाइम से किस में कन्वर्ट हुआ इट कन्वर्टेड इन टू द पेट्रो अमीनो एसिड नॉर्मल अमीनो एसिड पेट्रो पेट्रो अमीनो एसिड से कन्वर्ट हो गया वह ट्रांस अमाइलेज एंजाइम अभी ट्रांस अमाइलेज एंजाइम जो है वो तो अलग अलग टाइप का हो सकता है जैसे एस भी हो सकता है एस हो सकता है एस बोले तो साइनो िक पायरोविट साइलोनो साइन ग्लूटामिक ग्लूटामिकायरोट साइन ग्लूटामिट ग्लूटामिकायरोविट साइन ग्लूटामिक पायरोट साइन ग्लूटामिक साइन ग्लूटामिक पायरोड ट्रांसामाइनिस क्या करता है एक इंपॉर्टेंट ट्रांसामाइनज है जो इंक्रीज करता है लिवर डिजीज को लिवर डिजीज को बढ़ा देता है ये जैसे जिस लिवर का हो गया लेवर का हेपेटाइटिस हो गया सिमिलरली और जो तो दूसरा ट्रांसफामाइनिस जैसे साइन ग्लूटामिक ऑक्िलो एसिड ट्रांसाम एस जी पी टी बोले तो साइन ग्लूटामिक पायरोवे ट्रांसामाइनस और एस जी ओ टी साइन ग्लूटामिक ऑक्सिलो ट्रांसामाइनिस एस so, जी ओ टी जो है हमारा ये एंजाइम जो है वो हाईली सेंसिटेव टू हार्ट डिजीज तो so, ये दोनों एनजाइम जो है वो बहुत मतलब खराब टाइप की एंजाइम है ये अगर आपके अमीनो एसिड को पे ये एंसामेट कर गए तो आपकी मतलब खराब एसिड लाइक ये फॉर्म तो ट्रांसाम एस जी पी टी जो है सिन ग्लूटामिक ट्रांस ग्लूटामिक्रांसूटामिकायर जो है हमारा वो हमारे लिवर डिजीज को कॉज करता है जो हमारे लिवर है हेपेटाइटिस है उनका लेवल उन उनपे वो बढ़ा देता है और जो एस जी ओ टी है वो बेसिकली वो हार्ट पे हार्ट पे काम करता है अपना तो ये क्या करता है एस जी ओ टी सिन ग्लूटामिटीडेड ये हाईली सेंसिटिव है हार्ट के लिए ये लिवर के लिए नहीं हार्ट के लिए उसके रेफॉन्स होता है ये क्या कर देता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो टिश्यू हार्ट का जो टिश्यू उसकी डेथ हो जाती है और हार्ट का जो टिश्यू है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है जो हमारे हार्ट का जो टिश्यू है उसका तुरंतली डेथ हो जाती है इमीडिएटली डेथ हो जाती है उसकी एक्ससीलेटेड इन द यूरिन तो डायबिटीज मेलिटस और वो एक्ससीड होता है यूरिन में थ्रू द डायबिटीज मेलिटस एंड देन देयर कम्स रीनल ग्लाइकोसुरिया ग्रीनल ग्लाइकोसा अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीनल ग्लाइकोसोरिया ग्रीनल ग्लाइकोसोरिया ना बोले तो किडनी किडनी और अंदर किडनी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना बढ़ जाना ग्लाइकोसोरिया बोले तो इट्स अगेन अ गोज ग्लूकोजल डिसऑर्डर तो जो ब्लड शुगर लेवल का जो है हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर तो पता है वन एटी से वन ट्वेंटी मिलीग्राम परसेंट होता है बट अगर स्टिल शुगर जो है वो एक्सक्रीटेड इन यूरिन बट स्टिल शुगर इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन Honest, glycosoria. Glycosoria जो कंडीशन होनेस रीनल डायग्लाइकोसोरिया ग्लाइकोसोरिया बोले तो आपका जैसे डायबिटीज वगैरह जो कंडीशन होगा इसी को हमने बोला रीनल ग्लाइकोसोरिया कि आपका आपका नॉर्मल ब्लड शुगर आपको पता है एटी से वन ट्वेंटी एम जी पर स्टिल पर आपके शुगर जो है शुगर आपको नॉर्मल दिखा रहा है लाइक आपके ब्लड अगर आप बॉडी में आपका चेक करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आपका लेकिन फिर भी आपकी जो ब्लड शुगर है जब आप यूरिनेट कर रहे हैं तो आपका शुगर लेवल जो है स्टिल शुगर लेवल यूरिन में स्टिल आपके मतलब यूरिन में शुगर अपियर हो रही है तो को हम क्या बोलेंगे रीनल ग्लाइकोसोरिया एंड इन दिस इस केस में क्या होता है कि आपका रीअब्सॉर्न हो जाता है शुगर का रीनल ग्लाइकोसोरिया केस में शुगर का रीअब्सॉर्ब्शन हो जाता है इन बेसिकली इन द इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी क्लिनिकल राइकोसोरिया में क्या होगा अब, अब किडनी में रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है जिससे हमने बोला था ना किडनी जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है तो कंट्रोल कैसे करेगी वो रीअब्सॉर्ब्शन करा अपने बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ने नहीं रहेगी तो अब किडनी अब किडनी ने बॉडी से तो निकाल लिया बॉडी से निकाल कि मैं खुद में ले लिया है अपने ट्यूब्यूल्स में किडनी के जो रीनल ट्यूब्यूल्स है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर उसके अंदर ग्लूकोज भर गया है मतलब शुगर बढ़ गई है अब शुगर उसके अंदर रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर है तो बेसिकली वो कहाँ जाएगा वो अगर यूरिन उसमें ही जाएगा तो इस केस में क्या होगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द तो शुगर जो है वो ट्यूबल्स ऑफ किडनी वो डिफेक्टिव हो जाता है अभी तो नॉर्मल है तो आपके जैसे हमें आपको नॉर्मल जब ब्लड शुगर लेवल कम हो कम करना होता है किडनी को तो आप फिर रीअब्जॉर्प्शन हो गया किडनी से और फिर वो आपके आपके जब यूरिनेट करेंगे तो वो उसको और कन्वर्ट तो जीएफआर से कन्वर्ट हो जाता है तो आपके यूरिन में अपीयर नहीं होता है लेकिन अगर इसमें डिफॉर्मेशन हो गया थोड़ा डिफेक्ट हो गया थोड़ा डिसऑर्डर हो गया उस केस में उसके इसमें क्या होगा उसमें डी किया आपके प्रॉपरली जी एफ आर वो फिल्ट्रेट वगैरह नहीं होगा एंड अगर वो प्रॉपरली फिल्ट्रेट वगैरह नहीं हुआ तो वो आपके जो ग्लू जो ग्लूकोज है जो आपके मतलब एकदम कट ऑफ हो जाना चाहिए था आपकी ऊपर फिल्टरेट में आपके यूरिन में नहीं आना चाहिए था वो आपके यूरिन में अपेयर हो जाएगा दिट मीन्स आपके जो आपके एक्सक्रीटा जो मटेरियल है उसके अंदर आपके ग्लूकोज अपेयरेंस होगा सो so, इसी वजह से डिफिकल्टिवन एंड दे आर बेसिकली अनएबल टू द दुगर वो शुगर एक बार वो डिफेक्टिव हो गया तो शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा एंड देर वाई इज अपियर इन द फिल्ट्रेट कंड इट इज नोट रीनल ग्लाइकोसोरिया आपकी ग्लाइकोसोरिया की कंडीशन है ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है मतलब जो आपके यूरिन आपके यूरिन में ग्लूकोज लेवल जो इंक्रीज हुआ हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है आपका आपका दिख रहा नॉर्मल है लेकिन वो इंक्रीज हुआ हुआ है बेसिकली ड्यू टू द रीनल रीनल जो आपकी किडनी में कुछ तो डिसऑर्डर है उस वजह से तो दिस इज अ ग्रीनर ग्लाइकोसोरिया एंड उसके बाद हमारे पास अनादर चीज़ आती है दिस इज थ्रेशल पावर ऑफ किडनी तो किडनी जो है वो एब्जॉर्व कर देती है हमारा शुगर अप टू द वन एटी मिलीग्राम परसेंट थ्रेशअल किडनी की थ्रेशल पावर क्या होगी कि मैम किडनी जो है वो हमारी एब्जॉर्ब कर लेती है शुगर कितना ऑलमोस्ट वन एट्टी मिलीग्राम परसेंट जिसको हम क्या बोलते हैं थ्रेशल पावर ऑफ किडनी सो दे आर द इम्पॉर्टेंट ऑल द टॉपिक्स कवर्ड फॉर दियर पी यू सी नॉट आप इन्हीं क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं रहेगा ये क्वेश्चन लाइक मैंने कहा जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने क्योंकि तो बायोकैम हम सीन सर जो भी वेरी बोरिंग टाइप सब्जेक्ट फॉर द

हाफ एन आवर से थोड़ा कम वीडियो का है अब उसमें हमने थोड़ा और क्वेश्चन और क्वेश्चन पूरे से पहले का डिस्कस किया है तो ये पी का पार्ट वन और पार्ट टू तो आप जाके देख सकते हैं तो पार्ट टू तो अगर आप कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऑल्सो हमने मेरे बायो में इंस्टाग्रा बायो में एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है स्वै, स्वैप पंद्रह स्कोर अग्रवाल वन फोर तो अब वहाँ जाके मुझसे कोई डाउट है तो उससे भी अब इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं मैं लाइफ से कनेक्ट हो सकते हैं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं सो आई होप इट्स क्लियर सो बाय गाइस कीप लर्निंग कीप स्टडिंग